खामोशिया बेचैनिया ना दानिया वापस भी दे दो। ले लेना भाई, इस घर में संडे को भी सुकून नहीं है। और कितनी बार कहा है इस बैल को उठाकर फेंक दो, हाउ इरिटेटिंग। माना कि इरिटेटिंग है, लेकिन बैल क्यों कह रही हो उसे? क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ भाई। ओहो, मैं इस बैल की नहीं बात कर रही, डोर बैल की बात कर रही हूँ। ओहो, सुनाई नहीं दी ना, तो क्या करे भी? कौन आया दरवाजे पे? अखबार है। क्या अखबार में बैल बजाई थी? मुझे समझ में नहीं आता इस घर में संडे को अखबार आता क्यों है। जाने, तुम भूल जाती हो, इस घर में दो बेकार लोग भी बैठे हैं, उन्हें भी तो टाइम पास करना होता है ना। टाइम पास से याद आया, भाभी इसके अंदर ना संडे मैगजीन होगी, वो रख देना, बड़े अच्छे अच्छे फोटोज आते हैं उसमें। हाँ? क्या गिरा? यशोदा की एडवर्टाइजमेंट है। हाँ? अरे वाह भाभी, आपने तो मुझे पापा की याद दिला दी, उन्होंने भी ऐसे ही दिया था। क्या? मेरे गुमशुदा होने का एड भाई, और क्या, जब मैं बगल वाले वर्मा अंकल के टकले पर बम फोड़कर भाग गया था। उस वक्त मैं कहाँ था? आप स्कूल गए हुए थे। नंदू, क्या हुआ, मेरा नाम आया उसके अंदर? अरे नहीं नहीं, तो करोड़पति बाप का अंधा बेटा जिसकी 3 फैक्ट्री 2 फार्म मिल्स गोवा में 2 बंगलों और 6 गाड़ियां हैं, वो गुमशुदा है। ये गुमशुदा की एड है कि मैट्रिमोनियल की एड है? ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। आई कांट बिलीव। अब क्या हो गया? क्या हुआ भाभी? जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम। 10 लाख? एक मिनट, इन लोगों को फोन करके बता दो कि इस एड की जानकारी मिल गई है और 10 लाख रुपए लेने के लिए हम लोग आ रहे हैं। नंदू, एड की जानकारी नहीं, इस आदमी की गुमशुदा जानकारी देने पर हमें 10 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। इस आदमी की? हाँ। लेकिन इसकी तो आंखें नहीं दिख रही, चश्मा लगा रखा है। चश्मा लगा रखा है तभी तो वो अंधा है। लेकिन भाभी बाई फेस ये अंधा नहीं लगता। बाई फेस कभी कोई अंधा होता है क्या? आंखों से होता है ना। क्या बात है, यू आर इंटेलिजेंट। But you two are dumb. तो डम्बो, घर पे बैठकर कुछ कर नहीं रहे, तो कम से कम इस अंधे को ही ढूंढ कर ले आओ। सही कह रही हो भाभी, इसको तो हम ढूंढ कर ले ही आएंगे। वैसे ये रहता कहाँ है? इसका एड्रेस दे दो, यूं उठा लाएंगे। हमने कभी काम करने से मना किया थोड़ी? बिल्कुल नहीं। तुम दोनों से नहीं होगा, रहने दो। अबे कौन हो भाई? भाई जरा सड़क पार करा दोगे? पहले सड़क बना तो दो। मतलब बैल बजा के कह रहे हो सड़क पार करवाने को? ओह आई एम सॉरी ब्रदर, अंधा हूं ना। ओह इट्स ओके, अब जाओ बिना किसी को ठोके। वैसे हम कौन है जो तुम्हें रोके? अबे क्या कर रहा है यार, इतनी जल्दी में क्या है? वो क्या है ना, मुझे प्रीतम नगर जाना है, आप मुझे जरा रास्ता समझा देंगे? अरे इतनी आसान सी बात, अभी बताता हूँ। आप यहाँ से नीचे जाएंगे ना तो आपको एक लाल मंदिर नजर आएगा। मंदिर के पास में ना एक छोटी सी गली है, उस गली में आपको बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां दिखाई देंगी, खेल रही होंगी, बातें कर रही होंगी। वो वहीं हॉस्टल में रहती है, लेकिन आपको हॉस्टल में नहीं जाना है, उसके ऑपोजिट ना एक ब्यूटी पार्लर है, पिंकी ब्यूटी पार्लर। वहां पे तुम्हें लड़कियां दिखाई देंगी, उनसे भाई भाई मैं अंधा हूं ना, तो भाई कहीं भी चला जा, प्रीतम नगर क्यों जाना है तेरे को? मुझे जरा घूर के देखो। क्यों? हो सकता है कि तुमने मुझे कहीं देखा हो। कहीं? यहीं। नहीं। वो कौन आया भाई, क्या हुआ? अरे यार अंधे हो क्या? अंधा है भाई। सॉरी भाई साहब, सॉरी। ये अंधा वो नहीं, अंधा तू है भाई। अबे दरवाजे पर लॉटरी की टिकट आई हुई है, सुबह अखबार के अंदर जिस गुमशुदा की एड देखी थी ना, ये वही है। हाँ। तो क्या ये अपना एड खुद बांट रहा था? पता नहीं। भाई साहब आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए ना। अरे मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं बाहर खड़ा हूँ। अंधा हो ना। हाँ वो तो है। अंदर आ जाओ। आइए आइए प्लीज प्लीज। हाँ बैग आप ले लीजिए उसे, प्लीज अंदर आइए, अपने ही घर समझिए, संभाल के।
कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल जानियां, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला। चालनी देखो कौन आया है। कौन आया है नंदू? टट्टरे! ओह माय गॉड! देखा नंदू इसे कहाँ से लाए? तुम्हारे लिए शहर के चप्पा चप्पा छान के ढूंढ के निकाल के लाया हूँ इसे। ओह नंदू अभी के लिए? रियली? ठीक है भैया फिर मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं सर? आपको नहीं बोल रहा मैं तो अपने भाई को बोल रहा था, पप्पू को। नंदू अब तो हमारे 10 लाख पक्के। धीरे बोलो, अंधा है बहरानी। मुझे ना ये अंधा नहीं लग रहा है। चुप कर पप्पू, दिख नहीं रहा वो देख नहीं सकता तो? और अंधे लोगों का मजाक नहीं बनाते। बिल्कुल गलत। आप खड़े क्यों हैं? आप प्लीज बैठिए ना प्लीज। ये आपकी बीवी है? यस माय वाइफ। भाभी भाभी बहुत अच्छी है। पक्का अंधा है, अंधे ही ऐसी बातें कर सकते हैं। आप इतने टेंस क्यों हैं? आप रिलैक्स हो जाइए ना। बिल्कुल रिलैक्स, अपना घर समझिए। इन कपड़ों में कोई रिलैक्स कैसे हो सकता है? मैं अपने कपड़े दे दूं आपको? छोटे होंगे। अरे नहीं नहीं भाई के जवानी के कपड़े हैं। वो भी छोटे होंगे सर, इतना भी मोटे नहीं आप। मेरा सामान है ना मेरे पास। हाँ तो ठीक है, मेरे कुछ कपड़े पहन लेता हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, why not? हाँ हाँ with pleasure sir, with pleasure, why not? Anything else sir? Okay, hold, let me help you, let me help. Hold, yes sir, no problem. तू पकड़। नंदू नंदू ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? अरे वो अंधे हैं, हम थोड़ी अंधे, रोको इन्हें। बस अब आप बाथरूम में जाएं। मेरा पेट तो बिल्कुल ठीक है, बाथरूम जाने की जरूरत नहीं। नहीं सर वो कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में। जी ओके एज यू विश। पप्पू सर वो कपड़ा चेंज कराओ। भाई मैं शट अप एंड गो। जाना पप्पू चले। यस पकड़ लो जल्दी। यस यू स्टे। भाई साहब जाना कहाँ पर है? पापा यहाँ से आप ना आगे से, सॉरी सर यहाँ से ना आगे से आप लेफ्ट ले लीजिए प्लीज। यहीं से लेना ना लेफ्ट यहीं से। मेरे कमरे में भेजना तो बाथरूम वही है ना। आइए आइए अपना ही घर मत समझिए। ओ ये है बाथरूम। कहाँ है बाथरूम? मेरा मतलब यहाँ कहाँ है बाथरूम? अच्छा तुम्हारे सामने ही है, ढूंढो। अरे पता क्या कर रहा है बे? बाथरूम ही तो ढूंढ रहा हूँ। अंधों की तरह ढूंढ। यहाँ है बाथरूम। अच्छा सर ये पकड़ना और मेरे जरा कपड़े निकाल दो। छी क्या समझ रहे हो, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। अरे भाई बैग से कपड़े निकाल दो। अच्छा अंदर कोई है तो नहीं भाई? नहीं अंदर कोई नहीं है। अब देखता हूँ अंदर कैसे मैनेज करता है। चांदनी जल्दी जल्दी कर लेते हैं वो बाथरूम में। नंदू तुम भी ना कैसी छिछोरी बातें करते हो, वो बाथरूम से कभी भी वापस आ सकता है। उससे पहले उसके फादर को फोन करके बता देते हैं ना। क्या कि वो बाथरूम में? नहीं नहीं कि वो हमारे पास है। तुम भी ना। ये तो मैं भूल ही गई। लो फोन करो। हाँ नंबर दो, नंबर दो ना। है ना नंबर। चलिए गुमशुदा की तलाश। हेलो। हेलो नमस्ते, मैं चांदनी बोल रही हूँ। कौन चांदनी? नंदू उन्होंने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तुम कौन सा टीवी की हीरोइन हो जो तुम्हें पहचान लेंगे यार मुझे बात करने। हेलो अंकल। अंकल हाउ आर यू, कैसे हैं आप? तबीयत पानी सब ठीक है, मजे में? काम की बात करो ना। अच्छा अंकल आपका बेटा जो है ना वो हमारे पास, उसे वहीं रखो। जी मतलब उसका ख्याल रखो, वो बहुत सेंसिटिव है। अच्छा 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 लेकिन आप इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? आप भी सेंसिटिव हैं क्या? मैं थोड़ा कॉन्फ्रेंस में बाहर हूँ, अंदर तो बाहर आके बात कर। ठीक है जैसे आपकी मर्जी। ओके बाय टेक केयर। हाँ ओके ओके। वो कह रहे थे कि वो आउट ऑफ कंट्री है,
वो बाहर हैं तो अंदर आके फोन करेंगे, जब तक उनके बेटे को अपने पास संभाल के रखो। अच्छा, पर वो वापस तो आ जाए। कौन? अरे वही अंधा, तभी तो उसका ख्याल रख पाएंगे ना। वो भी तो है ना। हुआ छोकरा जवार जवार जवार। लगता है आप अंदर कुछ भूल गए हैं। कपड़े तो मैंने सारे पहने हुए हैं। अबे असली आदमी, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी छड़ी कहाँ है? छड़ी? वो क्या है ना कि मैं भूल जाता कि मैं अंधा हूं। तुम मेरी तरफ देखकर क्यों बातें कर रहे हो? तुम्हें तो वहां देखना चाहिए ना। मैं अंधा हूं, महंगा नहीं। आइए आइए, कुछ खा लेते हैं चल के। आइए ना, इधर से रास्ता क्लियर है। आइए। अरे नंदू, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे ना, फिर देखना। अब मैं चला। अबे सोफा है सोफा, रिक्शा नहीं है कि बैठकर चला जाएगा। अच्छा अब तो मैं सच में चला। कहाँ जा रहे सर? अरे आप छोटी छोटी बातों से, प्लीज आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए सर। अभी अभी तो आप आए हैं, 2-4 दिन रहिए, रिलैक्स करिए। तो आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये बहुत ही ज्यादा अंधा है। ज्यादा नहीं बोल रहे। क्या खाएंगे आप सर? नहीं नहीं, आप ज्यादा तकलीफ ना करें। अरे नहीं नहीं, बस एक लार्ज पिज्जा बस। दिन में ज्यादा खाता नहीं ना। अल्लाह पापू जा लिया। हाँ, और एक सैलेड विद मार्गरिटा सॉस। और हाँ, 1.5 लीटर की सॉफ्ट ड्रिंक, डाइट वाली। ओके, जा फटाफट लेके आ चांदनी, पैसे निकाल दे। और सुन, सर ने जो जो आइटम बोली ना, वो सारी आइटम चांदनी चाहिए, एक भी भूलना मत, भुलक्कड़ कहीं का। भाई पड़ोस में कोई अच्छी सी लड़की है? लड़की? भाई उसके पैसे अलग से लगेंगे। भाई संध्या ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। छोड़ा पर तुम्हें पकड़ा ही नहीं, तो मैं क्या करूं? क्या? कुछ नहीं, मैं चलता हूं। हाँ, कहाँ जा रहे सर? सर सर कहाँ जा रहे? सर ऐसा मत कीजिए सर, सर हमारी सेवा में कोई कमी रह गई तो एक मौका और दे दीजिए सर, प्लीज। अरे आप यूं लिपट क्यों जाते हो यहाँ पर? छोड़ो नंदू, छोड़ो। ओके, सेवा का मौका दे दीजिए ना इन्हें, प्लीज। मैं दोपहर के वक्त बचाता करता हूँ। अब बचाता? अब ये पेट खराब हो गया क्या आपका? अबे बचाना ही था तो ये क्यों बचाया? बचाता एक डांस फॉर्म है जो मैं दोपहर के खाने के बाद करता हूँ। ओह क्यों? इट इज गुड फॉर डाइजेशन। रियली? फिर तो सर आप कीजिए, आराम से कीजिए, रिलैक्स, हम देखेंगे। नहीं नहीं, उसे करने के लिए मुझे एक सिंगल रूम चाहिए। नो, पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते। हाँ तो कोई बात नहीं, आप पप्पू के कमरे में चले जाइए। क्या भाभी, मेरा कमरा क्यों? इसे जो भी बचाना यहाँ बचा लेगा, बाद में सोफे पे सो जाएगा। अरे नहीं नहीं, डांस करने के बाद थक के जब नींद आएगी तो उस वक्त कैसे सोएंगे यहाँ पे, रोशनी चुभेगी ना आँख में। भाई ये अंधा है कि क्या है? क्या का मतलब क्या? मुझे क्या पता क्या का मतलब क्या। बस उड़ा लो मेरा मजा। नहीं सर, सारे जमाने की तरह तुम भी उड़ा लो मेरा मजा। देख रहे ना पापा? पापा? भाई ये कब हुआ? पता नहीं, इस घर में तो सारे कांड तभी हुए जब मैं स्कूल में हुआ करता था। तभी हुआ होगा, है ना? बस उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक। सब स्कूल में मेरा मजाक उड़ाते थे। पापा अब देख रहे हो ना सर, मेरी आंखें क्यों नहीं है? आंखें? तेरी आंखें नहीं है? तेरे चश्मा कहाँ पहना है? अरे यही पहना है, कान पे। सी सी टिंग 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 टिंग। अच्छा ये कान है? पप्पू बस, मैं एक बार भी अब यहाँ नहीं रुक सकता। कहाँ है मेरा कमरा? थैंक यू। Thank God, कमरे में क्या, बाहर चला जा रहा तो। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चक्कर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात, छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल।
जानिया तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला। हेलो अंकल, अंकल आप कब तक आ रहे हैं? बेटा मैं कनाडा में हूँ, 2-4 दिन और लग जाएंगे, तुम उसको अपने पास ही रखो ठीक है। कनाडा में इतनी ट्रैफिक की आवाज कहाँ से आ रही है? कनाडा में हूँ, चांद पे नहीं लूके पट्टे। रख बेटा रखो। ओके थैंक यू। क्या कह रहे थे? थैंक यू बोल रहे थे, कह रहे थे 2-3 दिन और लगे। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है, बेख्वाबियां बेताबियां नादानियां तेरे बिना। क्या 2-3 दिन और लगेंगे? ओके क्या हुआ? कह रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन और लगेंगे, तब तक उनके बेटे को एंटरटेन करो। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या हो गया? वही तो, अब उसे एंटरटेन करने के लिए क्या घर में डांस प्रोग्राम रखवाएं? वालो यार बहुत दिन हो गए देखे। उधर जाओ नंदो। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां। काश मेरी आंखें होती, करीना कपूर की सारी फिल्में देखता, ये टीवी होता कैसे पता ही नहीं। हौसला रखिए भाई साहब, ठीक हो जाएंगे आप। आप यही हैं? जी। इतना सन्नाटा क्यों है? चांदनी और पप्पू कहाँ है? ओ काम से गए, बाहर गए। अच्छा बेल बजी। सुना मैंने। तेरी आंख से मिला। सोनिया। नंदू। सोनिया। नंदू। सोनू। नंदू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ घंटे बजा रही थी। तो तुम ही हो जो फ्लैट वालों की घंटी बजा बजा के भाग जाती हो। नंदू मैंने सिर्फ तुम्हारी घंटी बजाई है। लेकिन तुम यहाँ आई क्यों हो? मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ, मैं कनाडा जा रही हूँ हमेशा के लिए। कॉलेज लाइफ की उन पुरानी बातों को एक खूबसूरत ख्वाब समझ के भूल जाओ सोनू। बस नंदू मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मैं ये जानती हूँ कि मेरी अधूरी मोहब्बत हमेशा अधूरी रहने वाली है, लेकिन मैं जाने से पहले एक बार तुमसे मिल तो सकती हूँ ना। कौन है नंदू भाई? अब कोई नहीं, मैं खुद ही बेल मार के चेक कर रहा था। हाय हाय हाय। हाँ मिल तो सकती हो, ठीक है मैं तुम्हें अंदर बुलाता हूँ, लेकिन अंदर कुछ बोलना नहीं, चुप रहना। क्यों? एक मेहमान है जो अंधा है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं किसी गर्लफ्रेंड को लेके आया हूँ। ठीक है ठीक है ओके, आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अंदर जाकर तुम्हें इशारा करूंगा, आ जाना। नंदू भाई। कुछ ख्वाब गोल। हाँ भाई। कहाँ है आप? यही हूँ। कभी चांद ले यही कहा जाए रात सोफे चोर है खामोशी। आप तो यही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नंदू भाई जिंदगी ना बड़ी स्ट्रेंज होती है, आज मन कर रहा है कि आपके साथ बैठ के सारी भड़ास उतार दूं। हाँ बैठो बैठो आओ ना। आप बहुत अच्छे हो नंदू, काश जिंदगी में आप मुझे पहले मिले होते। अब तो मेरा मन कर रहा है कि पूरी जिंदगी आप ही के साथ रहूं। तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है। ये तो आपका हाथ है ना, आपको भी सुकून मिल रहा है मुझे भी सुकून मिल रहा है। तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया।
तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला। अरे कहाँ जा रहे हो नंदू भाई? यही हो? ओ, आप यही हैं? नंदू, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अरे ये अंधा नहीं है। तो भाभी ये बात तो मैं कब से कह रहा हूँ। क्या बचपन से बातें कर रहे हो तुम लोग? अंधे वाली स्टिक लेके घूम रहा है और बोल रहे अंधा नहीं है, हैं? टकराता फिर रहा है यहाँ से वहाँ। उस दिन तुम्हारे सामने तो कपड़े बदलने शुरू कर दिए थे इसने, और मैं बाथरूम में नहा रहा था, बेचारा आया और मुंह धो के चला गया, इसे पता भी नहीं। भाई ये तो पड़ोस वाली आंटी के घर में भी घुस गया था जब वो अकेली थी। अब बताओ अब कितना सबूत चाहिए इसके अंधे पने के लिए? आज मैं खोलता हूँ। और भाई सब ठीक? अरे वरुण कैसा है भाई? बहुत दिन। वरुण भैया, वरुण भैया आ गए। इतने दिन हो गए यार, बहुत दिनों के बाद मिला। यार तेरा फोन लगा रहा था, तेरा फोन नहीं लग रहा था, क्या हुआ? क्या बताऊं यार, अब फोन चोरी हो गया। चोरी हो गया? फोन तो छोड़ो यार, फोन के साथ साथ मेरा घर का आधा सामान भी ले गया वो अंधा। अंधा? कौन अंधा? इज ही योर ब्रदर? नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहा है, मेरा भाई तो ये है ना पप्पू। अरे यही तो था अंधा, हाँ? मेरे घर का आधा सामान चुराया। क्या पकड़ लिया। चांदनी जल्दी कर रहा है, निकल रहा है, हाथ से फिसल रहा है। हाँ हाँ बस लगा रही हूँ फोन, डायल किया मैंने। तेल लगाया क्या तूने बदन में? ये पुलिस यहाँ के क्या करेगी? पुलिस वो सारी बातें उगलवाएंगी जो इसने अंधेपन में देखी हैं। हाँ बता दो सब। कॉलेज वो लड़की, नहीं नहीं यार यार तू भाग क्यों नहीं रहा? तू छोड़ कर रहा है यार, मैंने ढेल दिया के निकल जा। इतनी तो अंधेरी की भाग गया, अंधेरी की भाग गया, तोड़ के पकड़ा था मैंने। भाग गया? भाग गया, देखो ना। ओफो, कैसे पकड़ा था मैंने, कैसे चला गया वो भाई। तुम्हारा ऑडियो वीडियो मैच नहीं हो रहा है। ओ निकल गया, अरे भाग गया, अरे हाथ से निकल गया मेरे।